बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का हमने पांचवा पार्ट किया था, फ्रैक्शंस वाला, यानी पांचवा, छठा, सातवां, ये एक ही तरह से होते हैं। इसके बाद आपके पास जो है पॉइंट्स वाली रकमें हैं, यानी आठवां, नौवां और दसवां पार्ट जो है ये एक ही मेथड से होंगे। तो हम आठवां पार्ट करेंगे। मेथड तो सबका सेम है, लेकिन पॉइंट वाली रकमें जो हैं इसमें अगर आपको तीन वैल्यूज़ दी जाती हैं प्रोपोर्शन में, आपने अननोन वैल्यू मालूम करनी है चौथी, तो कैसे मालूम करेंगे? ये आपके पास आठवां पार्ट है, 1.5:2.5 इज़ इक्वल टू x:8.75। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, या प्रोडक्ट ऑफ मीन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के मेथड से हल करेंगे। अब मीन आपके पास 2.5 और x हैं, एक्सट्रीम 1.5 और 8.75 हैं, तो ये आपके पास आ गया x मल्टीप्लाई बाई 2.5 इज़ इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाई 8.75। इस रकम को हम अपनी जगह पे लिखेंगे, ये 2.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर से इधर ले आएंगे तो डिवाइड होगा, यानी 2.5 को हम बटे में लिखेंगे। तो ये पॉइंट पॉइंट के साथ ख़त्म हो जाएगा। इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे 1 लगाएंगे, पॉइंट की जगह पे 1 लगाएंगे, और पॉइंट से इधर 2 इंच हैं तो 2 ज़ीरो लगाएंगे। यानी आपके पास यहाँ पर जो है पॉइंट ख़त्म हो गया तो 15 रह गया, मल्टीप्लाई बाई इधर 875 हो गया, इधर 25 रह गया, और ये आपके पास 100 रह गया। अब हमने क्या किया, पहले इन दोनों रकमों को 5 के टेबल पे काटा, 5 3 15 और 5 5 25। फिर इसको और इनको हमने 5 के टेबल पे काटा, 5 1 5 5 1 5, 3 रह गया 37, 5 7 35, 2 रह गया 25, 5 5 25, यानी आपके पास आ गया 3 × 175/100। तो हम क्या करेंगे, 3 को 175 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 525 आ जाएगा, और बटे में 100 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब देखें, ये ऊपर वाली जो रकम है 525, इसको लिख लें। अब 1 के साथ कितने, 2 ज़ीरो हैं ना, तो 2 इंच के बाद उस तरफ से पॉइंट लगा दें, यानी ये 1 ये 2, 2 इंच के बाद पॉइंट लगा लें, तो आपके पास आंसर आ गया 5.25। तो जबकि चौथी अननोन वैल्यू है वो क्या है, 5.25। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ डियर स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल ग़ुलाम यासिन हसनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।